हेलो दोस्तों तो अपने ज्योग्राफी के प्री क्योर की शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम अपने पिछले दो हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दी आइडिया ऑफ प्री एंड मेंस की प्रिपरेशन अलग अलग होना इज़ इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया रीजन दैट बीन मेन्स में जो भी आप एग्जाम्पल्स कोट करते हैं एडिशनल मार्क्स उन्हीं के होते हैं तो यहाँ पे हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है कि हम प्रीलिम्स के फैक्ट्स तो डिस्कस करें ही करें पर उनका एनालिसिस भी डिस्कस किया जाए कि, कि किस तरह से उनको आप मेन्स में यूज़ कर सकते हैं ठीक है जी तो फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट तो टाइगर को आप रिलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर द ईयर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द होल प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन ट्वेंटी एटीन जब ट्वेंटी एटीन में शुरू हुआ तो आपके दो टाइगर रिजर्व से कौन कौन से टाइगर कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जो टाइगर्स हैं उनको रिलोकेट किया गया था टू उड़ीसा इन सात कोसिया टाइगर रिजर्व तो इसको हम डिटेल में देखेंगे ना यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइगर्स के नाम भी हैं राइट बट मोर देन दैट आपको पता होना चाहिए कि एक मेल और एक फीमेल टाइगर को रिलोकेट किया गया था इनिशियल प्रोजेक्ट के समय में अब सिंपल सी न्यूज में बैकग्राउंड देखिए आपको कितना कुछ पता होना चाहिए सबसे पहले तो तीन कौन कौन से टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो कह रहे थे कि कान्हा और बांधवगढ़ से आपने जो है टाइगर्स को रिलोकेट किया सतकोसिया टाइगर रिजर्व में तो तीनों की ही पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आप कान्हा और बांधवगढ़ देखें तो ये एमपी में है दिस इज योर कान्हा दिस इज योर बांधवगढ़ अगर आप ये दो देखें जस्ट अ मोमेंट यस सो कान्हा एंड बांधवगढ़ एन एम पी राइट इवेंचुअली इनको उड़ीसा में सात कोसिया टाइगर रिजर्व में

तो बहुत ही सिंपल से दो पर्पजेस थे पहला पर्पज क्या था कि अगर कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पे टाइगर्स ज्यादा हैं तो उनको ऐसे रिजर्व्स में ट्रांसफ़र uh, किया जाए जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उन रीजन्स में टाइगर्स को रिंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था इसी वजह से जो है कान्हा और बांधवगढ़ से सतकोसिया में आपकी जो है टाइगर्स को रिंट्रोड्यूस किया गया सतकोसिया को एक बहुत ही अच्छा टाइगर uh, रिजर्व माना गया था जहां पर कि आप टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं सो दैट वाज द इनिशियल पर्पस जिसकी वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया गया था लेकिन द प्रोग्राम वाज मोस्ट ऑफ इट वाज अ फेलियर रादर आप अभी आगे न्यूज में पढ़ेंगे कि एज आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम देखा गया कि जो मेल टाइगर था राइट दैट एक्चुअली डाइड और जो फीमेल टाइगर था उनको वापस जो है सतकोसिया से ट्रांसफर करना पड़ा रीजन क्या था ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें पहला फैक्टर क्या था कि आपने प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिया राइट द द ट्रांसलोकेशन वाज डन बट बहुत ही ज्यादा प्लान नहीं किया गया इसको सो द ट्रांसलोकेशन वाज डन इन हेज जस्ट बिकॉज प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया इट वाज ऑल डन बट द मैनेजमेंट वॉज नॉट ग्रेट सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं टाइगर रिजर्व का मैनेजमेंट वहाँ के फील्ड स्टाफ जो हैं क्योंकि इन हेस्ट पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था तो ये लोग प्रिपेर्ड ही नहीं थे कि एडिशनल टाइगर्स को किस तरह से यहाँ पे जो है फिट uh, इन किया जाए इन द होल एटमोसफेयर नेक्स्ट इस पूरे की पूरे जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे कैपेसिटी फॉर टाइगर मैनेजमेंट वॉज वेरी पुअर आप एनवायरमेंट में बहुत सारे टाइगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स पढ़ते हैं राइट बट अगेन प्रॉब्लम कहाँ है टाइगर मैनेजमेंट प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है राइट right? इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है इनमें अभी भी मुद्दे हैं नाउ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल वेयर यू टॉक अबाउट कि इम्प्लीमेंटेशन में इशूज़ आपके कहाँ कहाँ हैं नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि लोकल कम्युनिटीज को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया तो आप देखते हो जितने भी टाइगर रिजर्व बायस फे रिजर्व होते हैं इनके आसपास जो भी लोकल कम्युनिटीज रहती हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि ये जो जानवर हैं दे कैन एक्चुअली वॉन्डर अराउंड टू लोकल कम्युनिटीज राइट कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट राइट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है बिकॉज जो ये एनिमल्स हैं राइट ये एक्चुअली मान लो कि अगर जंगल में रहें राइट right? तो कोई बंदिश तो नहीं होती कहीं भी जा सकते हैं ना कोशिश तो यही की जाती है कि टाइगर रिजर्व में भी इन्हें एक नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए बट ऑब्वियसली उसके बाहर जो, जो आम आदमी रहते हैं अगर ये उनके रीजन में चले जाएं तो कितना ही ज्यादा इशू शुरू हो सकता है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि वाइल्ड एनिमल्स को उनके अपने जो uh, रिजर्व हैं उनमें रहने देना ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है मान लीजिए कि आप किसी भी टाइगर रिजर्व में uh, टाइगर्स होते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली टूरिज्म भी बढ़ता है तो जितना बढ़ता है, उतना ही को के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्म नहीं किया गया सेकेंडली अगर उनको टूरिज्म के बेनिफिट्स के बारे में भी बताया जाता तो भी शायद दे वुड वेलकमिंग टूवर्ड द प्रपोजल बट बिकॉज दे नॉट टेकन इन कंसिलेशन uh, जब भी पूरा प्रोग्राम हुआ इस वजह से भी लोकल कम्युनिटीज़ ने कभी भी इस पूरे प्रोग्राम का साथ नहीं दिया उल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने आपको बताया जो फीमेल uh, uh, यहाँ पे टाइग्रेस थी शी एक्चुअली वेंट टू सर्टन ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज ठीक है अब क्यों गई राइट right? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है देखो जो हैबिटेट था वहाँ पे जो टाइगर uh, रिजर्व में हैबिटेट था वहाँ पे ऑलरेडी घर था एक और टाइग्रस का राइट right? जिस वजह से क्या हुआ सिंस ऑलरेडी वन टाइग्रेस टाइग्रेस वाज देयर द द अदर कुड नॉट डोमिनेट रीजन तो ये भी कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं कभी कभी उन रीजंस में सर्वाइव नहीं कर पाते एंड दे वॉन्डर ऑफ टू द ह्यूमन रीजंस तो आप ध्यान दे रहे हो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हमेशा ये नहीं होता कि जो एनिमल्स होते हैं दे वॉन्डर ऑफ कभी कभी जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है राइट right? नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल अगर ऑलरेडी वो रीजन किसी एक टाइग्रेस ने ऑक्यूपाई कर रखा है तो शायद दूसरी टाइगर उस रीजन को नहीं ऑक्युपाई कर पाती जिस वजह से दे गो टू डिफरेंट रीजन्स टू कम अप विद देयर ओन टेरिटरीज तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट हैज टू बी मेनटेन तो आप देख रहे हो कि द मोमेंट हम टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं हम शायद सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और उनको वहाँ किस तरह से बेटर रखा जाए इसकी बात करते हैं पर हम नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस की तो बात ही नहीं करते कि उनके भी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिस हिसाब से वहाँ पर वाइल्ड लाइफ रह रहा है तो इन चीज़ों को ना ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना ऑल्सो हो सकता है कि न्यूज़ आइटम्स इन इन अ सिंगल में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ना रहे बट ये मीनस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन देयर बीइंग जब आप कभी भी आपको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली इस जो एग्जाम्पल है उसको आप कोट कर सकते हो ठीक है दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? कि ये चीज़ जब आपको वाइल्ड लाइफ या बायोस्फेयर रिजर्व्स की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है राइट right? जैसे आप इन सिटू या एक्स टू मैनेजमेंट कहते हो कि उनकी मैनेजमेंट कितनी लगता है आपको सक्सेसफुल रही है कितनी सक्सेसफुल नहीं रही है उनके बारे में भी आप यहाँ पे एग्जांपल्स कोट कर सकते हो तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल राइट जहाँ पे आप ट्राइगर रिलोकेशन प्रोग्राम की बात कर सकते हैं उनके फेलियर्स की बात कर सकते हैं और उनके फेलियर्स के रीजंस की भी बात कर सकते हैं ना इन केस आपको टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम्स नहीं याद आते हैं राइट तो आप इन जनरल भी ये कुछ जो फेलियर्स हैं ये जेनेरिक फेलियर्स होते हैं जो हर प्रोग्राम में रहते हैं इनको भी वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप एथिक्स की केस स्टडीज में भी ये चीजें लिखते हैं कि चीज़ें फेल हो जाती हैं राइट हाउ डू यू वर्क ऑन टू इट तो आप डेफिनेटली वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वी 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 लर्न द या यादर दे केन ऑलवेज डॉक्यूमेंट द फीलिंग्स या इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट एग्जाम्पल देती हूँ आपको मान लीजिए कि आप किसी भी तरह से ऐसे किसी रीजन से एसोसिएटेड हैं uh, मान लीजिए कि uh, आप एक ऐसी ऐसे रीजन से एसोसिएटेड हैं जहां पे ऐसा तो तो right? को जो भी लर्निंग्स ली गई होंगी उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रीजन में सो दैट ऐसे फेलियर्स ना हो तो वहां पे उन केस स्टडीज में आप जो है इन चीजों को नोट कर सकते हैं बिकॉज कभी भी कोई भी आपसे कहा जाए कि uh, कोर्स ऑफ एक्शन बनाइए ब्लू प्रिंट बनाइए तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेम दट वट द रीजन फॉर फेलियर वट कुड हैव बीन डन एंड द सेम मॉडल्स कैन भी इंप्लीमेंटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल ठीक है जी याद रहेगा तो अगर मुझे कंक्लूजन पूछा जाए कि इन जनरल क्या किया जाना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को ठीक करने के लिए तो आप क्या करोगे कि जो भी एड्रेस है उनको इश्यूज किया उनको जो है एड्रेस किया जाए और जो भी विलेजर्स हैं जिनको ये दिक्कतें आ रही है आप उन्हें रिलोकेट कर सकते हो उनकी नीड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो सो so दैट ये जो टाइगर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है इसको प्रॉपरली कंटिन्यू किया जाए ना दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन फॉर एनी ऑफ द प्रोग्राम्स ठीक है आप इनको याद कर सकते हो राइट यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर मेन्स क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आप आ, अपनी मर्जी से हमेशा वहां चीजें लिख दें थिंग्स आर प्रिपेयर तो आप देख लो दिस कुड बी अ वेरी सिंपल कंक्लूजन फॉर सच अ प्रोग्राम कि आप किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम के लिए किस तरह का कंक्लूजन करेंगे तो आप लिखिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स बायस रिजर्व को आप सक्सेसफुल uh, बनाने के लिए इन इशूज को एड्रेस करें सो so दैट ये प्रोग्राम्स जो हैं आगे कंटिन्यू किए जा सके ठीक है जी याद रहेगा सिंपल था ना इस पूरे प्रोग्राम का एक और जो दूसरा साइड है देखने का वो भी हम चेक करते हैं तो ये न्यूज में क्यों था बिकॉज रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो मेल टाइगर थे दैट तो है डाइट बट जो फीमेल टाइगर्स थी उनको वापस रिलोकेट कर दिया गया एमपी से आपको याद इनिशियली क्या किया गया था एमपी से उड़ीसा भेजा गया था अब इनको वापस उड़ीसा से एमपी में रिलोकेट कर दिया गया क्यों रिलोकेट कर दिया गया बिकॉज बहुत ज़्यादा विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया जो कि रिजर्व्स के आसपास रह रहे थे आपको याद है हमने ऊपर क्या रीज़न पढ़ा था कि विलेजर्स को या लो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया था राइट और इवेंचुअली क्या हुआ क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे ये चीज़ नहीं की गई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की गई तो इवेंचुअली ऑल द प्रोग्राम इज गॉन इन हेस्ट और इनको वापस भेजा गया ठीक है अब जो वापस भेजा गया उसकी ना एक पूरी टाइम है अगर आप न्यूज में देखोगे टाइम में से मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन की अगर आप देखो एन राइट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डायरेक्ट किया था उड़ीसा और एमपी की सरकार को कि भाई आप जो है इस टाइगर्स को वापस एमपी ले लीजिए और पूरे प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दीजिए दूसरे लेवल पे क्या हुआ कि एमपी हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी सी की थी रिपोर्ट्स फ्रॉम उड़ीसा कि भाई वाई आर सच इश्यूज कमिंग और क्या दिक्कतें हैं हेल्थ और स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइगर्स और इवेंचुअली क्या हुआ कि मार्च 24 2020 को इसको रिटर्न कर दिया गया ना इसकी सिग्निफिकेंस क्या है दिस टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस राइट कैसे आपने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे मुद्दे हैं आपने ऊपर पढ़ा कि इंप्लीमेंटेशन के मुद्दे हैं आपने ऊपर पढ़ा कि शायद चीजों को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा लेकिन इवेंचुअली ऐसा भी नहीं है कि बाकी इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर रहे राइट जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है डेफिनेटली इट्स वर्किंग तभी तो उन्होंने डायरेक्ट किया है आपके कोच भी पूरे मुद्दे पर वर्क कर रहे हैं कि उन्होंने तो स्टाटस के बारे में रिपोर्ट्स भी मांगी हैं और एंड में टू सेव वन पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ है एंड इट बिन रिटर्न बैक राइट तो आप देख रहे होती राइट ऑल हम बहुत सारी नेगेटिव चीजें न्यूज में पढ़ते हैं बट उसके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी तो है कि अल्टीमेटली इट्स नॉट दैट आप खुद जाके इस पूरे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करे देखो इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट इंस्टीट्यूशन जो है डायरेक्ट करते हैं एंड थिंग्स डू हैपन

कर सकते हैं ठीक है जी याद रहा तो आप देख हो सेम चीज में देवर सर्टन कॉन्स देवर सर्टन प्रोज और कभी भी इसका आप कंक्लूजन लिखेंगे ना तो अब कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं आप कंक्लूजन में लिखिए कि दिक्कत है डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं पर शायद ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है कि कभी भी जो ये इंस्टीट्यूशन हैं शायद ये पोस्ट द होल सिनारी आए हैं अगर ये इंस्टीट्यूशन पहले एक्ट कर देते तो शायद एक टाइगर की जो डेथ हुई है या जो इनको रिलोकेट करना पड़ा है ये शायद नहीं करना पड़ता अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है इनिशियल स्टेजेस पर ही इंटरवीन कर देते तो आंसर हमेशा ही बैलेंस होना चाहिए यू ऑलवेज राइट द प्रोज कॉन्स एंड देन इन दू वस एवरीबडी एक्स वाइज ई थिंग्स आर वर्किंग बट हाँ सही समय पर यदि किया होता तो रिजल्ट को ढाकबीन डिफरेंट तो आप देख रहे हो सेम चीज में दोनों ही आस्पेक्ट को किस तरह से इंक्लूड करना जरूरी है ठीक है जी चलिए नेक्स्ट आते हैं नाउ शिग्मो फेस्टिवल वॉज इन न्यूज राइट क्यों न्यूज में था ये जो है जब हार्वेस्टिंग ऑफ पाडी होती है राइट बाई द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ गोवा तब ये पर्टिकुलर जो है फेस्टिवल जो है मनाया जाता है ना बिकॉज इट वाज एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट ऑफ पाडी राइट इस वजह से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर ना याद रखना कि अभी तो फिलहाल जो आप न्यूज़ में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दिस इज दिस इज एक्चुअली सेलिब्रेटेड uh, जब भी आपकी हार्वेस्ट ऑफ पार्टी होती है इट कोइंसाइड्स विद होली इज वेल ठीक है लेकिन इनिशियली जब यह ट्रेडिशनली सेलिब्रेट होता था ट्रेडिशनली सेलिब्रेट क्यों होता था uh, जब वॉरियर्स होते थे जब वॉरियर्स अपने घर से चले जाते थे लड़ाई के लिए या जंग के लिए और दशहरे के बाद राइट right, वापस आते थे राइट right? uh, उस समय पे ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम जो है मनाया जाता था शायद उसकी इसकी उतनी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है बट हाँ अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत आइडिया हो तो दैट शुड वर्क ठीक है बट इनिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये पर्टिकुलर चीज़ें कभी कभी ना आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि <coughs> आ, कुछ आपको फेस्टिवल्स के नाम ले दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा हार्वेस्टिंग से एसोसिएटेड फेस्टिवल है तो वहाँ पर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ठीक है तो थोड़े से होते हैं लेकिन हमें इनके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए ठीक है ओल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कुछ कम्युनिटीज हैं अगर आप देखो और भी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज लाइक गावडाज एंड वेलब्स जो हैं ये भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं कि जी स्प्रिंग सीजन जो है शुरू हो गया है तो कोशिश कीजिए कि आप इसे दो तीन बार पढ़ लें प्री में द बेस्ट पार्ट भी आपको रिकोगनाइज करना है आप इनिशियली उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं ना वाई दिस अ न्यूज ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनस के लिए सो दिस वॉज अ न्यूज़ बिकॉज ऑफ कोविड जो है ऑब्वियसली फेस्टिवल्स को मनाने में ऑफिशियली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये जो पूरा फेस्टिवल है कुछ एक दो जगह ही मनाने की जो uh, परमिशन है वो दी गई थी ना दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ कोविड जब भी आप इंपैक्ट ऑफ कोविड लिखते हैं तो आप मोस्टली आप देखोगे हेल्थ पे इंपैक्ट लिखते हैं आप इकोनमी पे इंपैक्ट लिखते हैं राइट right? लेकिन आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी तो इंपैक्ट हुआ है ये हम भूल जाते हैं राइट ऑल दो डेफिनेटली ये बातें भी उतनी सही हैं कि शायद जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं हंड्रेड परसेंट फॉलो नहीं होती येस yes, बट कुछ हद तक तो फॉलो होती है ना दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम्पल लिखिए कि कल्चरली भी तो इम्पैक्ट हुआ ही है देर आर लॉर्ड ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस राइट तो शायद जो कल्चरल इम्पैक्ट है जो ये फेस्टिवल्स हैं राइट जब तक आपकी वैक्सीन हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाती शायद तब तक ये इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रहे तो पॉइंट दे बी <coughs> कि आपका एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाता है अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स कि कल्चर को भी जो कल्चरल सेलिब्रेशन हैं वो भी इक्वली इम्पैक्ट हुई हैं ठीक है जी याद रहेगा सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको मेंस में एक एडिशनल पॉइंट बताएगा ठीक है जी चलिए अगली चीज पे आते हैं न सुज कनाल क्राइसिस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है राइट इसको हम थोड़ा सा डिटेल में इसका थोड़ा सा जोग्राफिकल बैकग्राउंड समझेंगे और जो, जो जोग्राफी एसोसिएटेड चीज़ें हैं वो हम यहाँ समझेंगे तो बहुत सिंपल सी बात थी अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में सुनाऊँ राइट तो दिस इज योर सुएज कनाल अगर आप अफ्रीका देख रहे हैं तो इस कनाल में क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह से आपकी शिप जो है फंस के रह गई तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं आप इसको मानो कि शिप इस तरह से जा रही है और ड्यू टू विंड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स उसकी डायरेक्शन बदल गई और ये जो शिप है इस तरह से यहाँ पे फंस गई ठीक है so, सो एब्सोलूटली बहुत समय लगा इस पूरे मैकेनिज्म को हटाने में शिप को मूव करने में बहुत ज़्यादा शिपिंग लेन जो है ये इम्पोर्टेंट है तो क्योंकि ये शिपिंग लेन क्लोज क्लोज रही तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए ना एवरीबडी नोज दिस इसको हम डिटेल में समझते हैं सो so, हमें पता है कि एक कंटेनर शिप कॉल्ड एवरग्रीन जो है एबसोल्यूटली इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था सुएज कनाल को सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही थी राइट right? मलेशिया में राइट right? Tang Pelpus said the port of Rotterdam, Netherlands. Very important fact. राइट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नीदरलैंड या फिर मैच इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है नट पीपल डू रॉन्ग इज की आप सुज करनाल का क्राइसिस पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन कहां से कहां तक जा रही थी कौन से पोर्ट्स एसोसिएटेड है दिस पीपल टेंट टू तो मिस तो दोनों ही जो पोर्ट्स हैं आपको इनका आइडिया होना चाहिए ठीक है जी पहला फैक्ट दूसरा नाउ द द रूट विच इज फॉलोड मान लीजिए कि आपको मलेशिया सिंगापोर से कोई सामान भेजना है मान लीजिए आपको चाइना से कोई सामान भेजना है राइट टू दीज रीजन्स तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो जो हमारा सुएज कनाल वाला रूट है आप भेज दें या फिर हमेशा से ये सुज कनाल वाला रूट जो है ओपन नहीं था राइट right? पहले जो है इस इस रीजन से केप ऑफ गुड होप से भेजा जाता था तो आप देख रहे हो कनाल का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये जो पूरा आपका रूट है इसको काफी ज़्यादा छोटा कर देते हैं ऑल द कंट्रीज प्रेफर कि सुनाल से सामान चला जाए ऑल ये कनाल जो है बहुत ही ज्यादा बिकॉज क्यों बिकॉज कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है अब आप रूट ही इमेजिन कर लीजिए कि कितना लंबा रूट है अब इस रूट को छोड़ के इफ आई एम गोइंग टू दिस रूट कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ बच जाती है ओल्सो अगर आप गल्फ कंट्रीज़ देखो या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ देखो जो ऑयल रिच कंट्रीज़ है वो भी तो यहीं से पास हो रही हैं तो ऑयल पास ऑयल भी इस रूट से आना जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है सो दैट इज़ वाई सुएज कनाल का अपना इकनॉमिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस uh, है अगर आप देखो कि ऑलमोस्ट पर डे इस कनाल से फिफ्टी शिप्स जो है ट्रैवल करते हैं ऑन एन एवरेज यानी कि वर्ल्ड का ट्वेल्व परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एक दिन में यहाँ से हो रहा है ट्वेल्व परसेंट इज अ वेरी बिग अमाउंट तो इमेजिन करो कि अब अगर इस पूरे कनाल को रोक दिया जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो कितना ही ट्रेड जो है वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है ना दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओल्सो कनाल ना बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है बहुत ही नैरो कनाल है राइट right? तो इस वजह से क्या होता है शिप्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से यहां पे चलना पड़ता है नाउ लेट से एवर ग्रीन वॉज गोइंग लाइक दिस सडनली और ये जो स्ट्रेट शिप है ये कुछ इस तरह से यहां पे ब्लॉक हो गया ऑल दो येस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट अंडर वे है राइट right? एक्सपेंशन हो रही है बट दर वेरी स्लो एक्सपेंशन इसलिए आप देखोगे इस पूरी कनाल की जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है ये सिंगल लेन ही है जिस वजह से बहुत ही ध्यान से इन रीजन से आपको ट्रैवल करना पड़ता है और एक और दिक्कत क्या है क्योंकि सिंगल लेन है तो एक साथ दो शिप्स कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाते बहुत ही दिक्कत है राइट right? तो इसलिए एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे शिप्स जो हैं फॉलो की जाती हैं ठीक है तो यहाँ पे ये नॉर्मल इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो है यस थिंग्स आर गोइंग ऑन की एक्सपेंशन हो बट द थिंग्स इज नॉट फिनिश्ड येट तो ये चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोग्राफिकल एंगल हम यहाँ पे देखेंगे अब आप इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ राइट तो न्यूज में बहुत ज्यादा आया था कि ऐसा कोशिश की जा रही है ऐसा थॉट दिया जा रहा है कि अगर बहुत दिन तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो जो सारा सामान है वो अब कहाँ से जाएगा केप ऑफ गुड होप से जाएगा राइट right? कि इस पूरे लॉन्ग रूट को फॉलो किया जाएगा अब ध्यान देना सुनाल से पहले भी तो यहीं से सामान जा रहा था तो वाई वॉज इट अबेड यस इकोनॉमिक कॉस्ट तो थे ही थे अपार्ट फ्रॉम दैट एक ज्योग्राफिकल रीजन भी था क्या ज्योग्राफिकल रीजन भी था जब आप अपने विंड सिस्टम्स पढ़ते हो राइट विंड सिस्टम्स सिस्टम वेस्टलीस ईस्ट की बात करते हो तो तीन ऐसे विंड सिस्टम्स हैं जो स्पेसिफिकली साधर्न हेमिसफेयर में पाए जाते हैं रोरिंग फोर्टीज फ्यूरियस फिफ्टीज एंड स्क्रीमिंग सिक्सटीज अभी जो सारी की सारी विंड्स हैं वेरी फास्ट विंड सिस्टम्स ठीक है काफ़ी ज़्यादा तेज़ विंड सिस्टम्स हैं अब आप अगर देखो इस रीजन के आसपास सिस्टमों मोमेंट इस रीजन के आसपास रोरिंग फोर्टीज़ है रोरिंग फोर्टीज़ बहुत ही हाई विंड सिस्टम्स हैं वेस्ट जो कि बहुत ही शार्प विंड सिस्टम्स हैं तो होता क्या था जब शिप्स यहाँ से आती थी तो हमेशा ही प्रोबेबिलिटी रहती थी कि रोरिंग फोर्टीज़ की स्ट्रॉग विंड सिस्टम्स की वजह से जो ये शिप्स हैं ये अपने पाथ से डिविएट हो जाती थी ना बिकॉज ऑफ दीज विंड सिस्टम अगर जो शिप्स हैं अपने पास से डिविएट होना शुरू की हो गई तो ऑलरेडी इकोनॉमिक लॉसेज बहुत ज्यादा हो जाते थे तो ये भी एक रीजन था कि केप ऑफ गुड होप से जब चीज सामान जा रहा था उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की गई सो दिस वीज वन ऑफ द रीजन ठीक है अदर रीजन जो वेल बट जोग्राफिकली ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक और दिक्कत पता है क्या है शायद वो इस टॉपिक से एसोसिएटेड नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए कि रोरिंग फोर्टीज फ्यूरोज जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते जाओगे टूवर्स अंटार्कटिका और बढ़ती जाएंगी तो जब शिप्स यहां से नीचे की तरफ आती थी तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती थी बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम्स ठीक है इवेंचुअली आज शायद हमारी टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड लॉट तो ये चीज़ें कंट्रोल की जा रही है बट इनिशियली बहुत समय पहले इन पर्टिकुलर रीजन में बिकॉज ऑफ दीज थ्री विंड सिस्टम्स बहुत ही ज्यादा दिक्कतें थी टू दी शिप्स ठीक है तो अगर आप रोलिंग फोर्टीज देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विड्स हैं ठीक है थीके? तो वेस्टर्ली है, तो वेस्टअर्ली हैं राइट रोरिंग फोर्टीज फिफ्टीज एंड द सिक्सटीज वाला तो ये आपको एक एडिशनल पॉइंट है जॉब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे सुएज कनाल क्राइसिस का ग्लोबल ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मैंने आपको बताया था कि 12 परसें वर्ल्ड ट्रेड को ये अफेक्ट करता है एक दिन में राइट मैंने आपको गल्फ और मिडिल मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी बताई थी कि वहाँ से वर्ल्ड का ऑयल भी ट्रैवल करता है सेवन और जो ये पर्टिकुलर शिप था दिस वॉज अ कंटेनर शिप तो उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वहाँ से ट्रैवल करता है तीनों ही आपका जो आ, डेटा है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू विल हैव टू दिस ये भी आप कहीं इसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं अब आप इमेजिन करो कंटेनर शिप्स वाला सामान रुक जाए वर्ल्ड ऑयल आना रुक जाए तो कितना ज्यादा आपको सप्लाई गैप आ जाएगा मान लीजिए सामान पहुंचना है और सामान दो हफ्ते लेट पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा ठीक है सेम चीज यहाँ लिखी हुई है सप्लाई चेन में सिमिलरली अगर आपको ऑयल आना बंद हो जाए वहीं के वहीं रुक जाए तो ऑयल जो है स्कासिटी हो जाएगी मार्केट में जो आना था अगेन ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ जाएगा तो सप्लाई चेन एंड योर ऑयल नेचुरल गैस इन तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा है सप्लाई चेन कुड भी ऑफ एनीथिंग नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं लाइक कॉफी लैपटॉप या सेमी कंडक्टर हो सकते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल तो द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स वुड बी सप्लाई चेन एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस इश्यूज तो ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे ज्योग्राफिकल रीजन पूछ, रीजन पूछा जाए आप रोरिंग फोर्टीज की बात करेंगे अगर आपसे ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूछा जाए आप इन दो चीजों की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अ ऑफ पीपल हैव टू कि द शिप मान लीजिए शिप है ठीक है और रुक गई वहां पर और बहुत ज्यादा लॉस हो गया हु पे फॉर द लॉसिस तो जो अब इस शिप का जो इंश्योरेंस मानी था राइट वहां से इनको क्लेम किया जाएगा तो ये जो जो पूरा का पूरा का शिप है है जापानीज मार्केट में है इंश्योर्ड है और अब सुएज कनाल अथॉरिटी ने इतना पैसा लगाया है टू गेट द शिप रोलिंग राइट सेकेंडली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो ये पैसा अल्टीमेटली जो है इंश्योरेंस क्लेम से लिया जाएगा किस तरह से होगा दैट्स अ सेपरेट इशू बट एटलीस्ट आपको इंश्योरेंस का एंगल भी पता होना

कि ऑयल स्पिल क्यों हुआ और ऑयल स्पिल होने के बाद कॉम्पनसेशन कौन देगा इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ आपने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रूल्स बनाए हुए हैं और ये जो रूल्स हैं ये कौन एडमिनिस्टर कर रहा है इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आई तो आप याद रखेंगे कि अगर कभी भी ऑयल स्पिल होता है राइट right? और उससे एसोसिएटेड अगर लाइबलिटीज की बात होती है तो अ सिंगल कन्वेंशन विच इज कॉल्ड बंकर कन्वेंशन जो कि आपका इंटरनेशनल मैराटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है एडमिनिस्टर करती है तो इट वाज नॉट रिलेटेड

नेक्स्ट क्स्ट सुनाल कहाँ से शुरू हो रही है पोर्ट से शुरू हो रही है राइट right? और ये जितने भी लेक्स हैं बीच में आपको इनके नाम पता होने चाहिए तो जब भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आप इन लेक्स का नाम जो है डेफिनेटली याद कर लें दूसरी चीज नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि केप ऑफ केप ऑफ गुड होप से ये सारा का सारा सामान जो है ट्रांसफर हो रहा था अब अगर मैं आपको नॉर्मल मैप्स दिखाऊं ठीक है तो इट माइट लुक लाइक कि अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है दैट इज केप ऑफ गुड हो पर ऐसा है नहीं जब आप इसको प्रॉपर गूगल वाले मैप में देखते हो तो आप देखते हो जो साधन टिप है वो है केप आगुलास तो ये चीज़ आपने याद रखनी है ये बहुत ही बार गलती हो सकती है क्योंकि ये जो मैप्स होते हैं दे वेरी रफ ड्रॉन मैप्स तो कभी भी आपसे अगर एंड में क्योंकि केप ऑफ गुड हो बहुत ज़्यादा न्यूज में थी कि पीपल आर नाउ थिंकिंग कि ये सारा जो ट्रैफिक है हम यहाँ से राउट कर दें तो ये जो है सादर मोस्ट पॉइंट नहीं है अफ्रीका का सादर मोस्ट पॉइंट कौन सा है केप अगुलास वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पीपल टेंट टू मिस दिस तो हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी वो जो दो क्रिटिकल मार्क्स हैं जो ट्रिवियल क्वेश्चन के आने हैं हमने उसके लिए भी प्रिपेयर करना है ठीक है जी याद रहेगा चलिए नेक्स्ट तो पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज अगर मैं आपको दिखाऊं दिस इज द रीजन ऑफ पकल दुल प्रोजेक्ट ठीक है तो अगर हम जे की बात करें और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं किशन गंगा प्रोजेक्ट तो आपको एक बेसिक सी मैंने डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आप इस फोटो से उनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं अगेन प्रोजेक्ट सलाल प्रोजेक्ट तो आप देख रहे हैं कभी कभी इन प्रोजेक्ट्स के स्टेट्स आपसे पूछ लेते हैं राइट right? तो वो आपने चीज यहाँ पर याद रखनी है ठीक है जी चलिए ना वाई न्यूज बिकॉज पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है उन पकलदुल प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ठीक है तो इसलिए हम इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़ा समझ लेते हैं रिसेंटली इंडस वाटर पैनल ने जो है मीटिंग की है ठीक है तो अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस जो है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में जो है डिसाइड हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस कि किस तरह से जो है पानी डिवाइड होगा तो तीन जो आपके रिवर्स हैं रावी ब्यास और सतलुज आप याद रखोगे आरबीएस ये इनका जो है सारा एक्सक्लूसिव राइट right दिया गया इंडिया को और जो बाकी रिवर्स है राइट right, इंडस जेलम एंड चिनाब आई इनको इसका पूरा का पूरा राइट्स किसको दिया गया पाकिस्तान को तो टर्म्स क्या याद रखने की आई सी जे इस पर पाकिस्तान राइट आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याद रखते हैं सिमिलरली आई सी जे आप याद रखेंगे इंडस चुनाव और झेलम ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म किसको अंडरवेन किया गया है पाकिस्तान को एंड आर आपको दिया गया है इंडिया को लेकिन हम ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ याद रखना जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी ब्यास सतलुज इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए हैं इस पर लेकिन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इन पर भी इंडिया को राइट्स दिए गए हैं लेकिन वो राइट्स क्या है लिमिटेड हैं कि इन तीनों में इंडिया हो सकता है कुछ लिमिटेड स्टोरेज कर सके कुछ डोमेस्टिक यूज कर सके राइट right? कुछ प्रोजेक्ट्स लगा सके तो लिमिटेड यूजेज डेफिनेटली इंडिया को यहाँ पर भी एलोकेट किया गया है तो ऐसा नहीं है कि जो हमें मिस नॉर्मल होता है कि ईस्टर्न रिवर्स एक्सक्लूसिवली इंडिया और वेस्टर्न रिवर्स एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान नहीं ऐसा नहीं ईस्टर्न यस एक्सक्लूसिव इंडिया को दिए गए हैं लेकिन वेस्टर्न पर भी इंडिया को लिमिटेड राइट्स दिए गए हैं तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो ये पूरी ट्रीटी कौन से ईयर में शुरुआत हुई थी ये भी पता होनी चाहिए साइन कब हुई थी 1960 में ये जो है साइन हुई थी और इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किसने ब्रोकर करवाया था बाय वर्ल्ड बैंक तो आठ साल तक इसकी नेगोशिएशंस चली थी और उसके बाद ये पूरा पूरा मैकेनिज्म जो है शुरू हुआ था राइट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की है 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी साइन हुई थी 1960 आफ्टर साल वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर करवाने की कोशिश की और जैसा मैंने आपको बताया ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया वेस्टर्न रिवर्स टू पाकिस्तान बट सर्टन लिमिटेड राइट टू इंडिया एज वेल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर अच्छा एक इससे एसोसिएटेड है परमानेंट इंडस कमीशन भी है तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक परमानेंट कमीशन बनाया गया है राइट कुछ ऑफिशियल्स इंडिया से होंगे कुछ पाकिस्तान से होंगे जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीआइडेंटिफाई बार बार करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव हैं क्या आउटलाइन हैं क्या इश्यूज आ सकते हैं या मान लीजिए किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो यहाँ पे रेज कर सकता है सिमिलरली इसी मेकेनिज्म के अंतर्गत इवेंचुअली जो मैंने आपको ऊपर पकुलदुल प्रोजेक्ट बताया था वहां पे पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन की हैं ठीक है और ऐसा भी कहा जाता है या रादर इसमें लिखा हुआ है अगर दैट वुड भी बेटर थिंग टू तो से रेगुलरली इनको मीट करना चाहिए ताकि ये पूरा मैकेनिज्म जो है डिस्कस कर सके नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर नाउ यहाँ पे ना एक एडिशनल चीज़ है दैट वी टेन टू मिस पहली चीज क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है आपस में दे हैव अ ट्रीटी है ना लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो कि अगर आप इस पूरे रिवर सिस्टम की बात देखो तो इंडस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है चाइना से हो रही है तो आप इमेजिन करो कि चाइना का कितना बड़ा एंगल है इसमें वॉट ऑफ चाइना बिल्ड डैम्स हियर एंड स्टॉप्स द वॉटर कमिंग राइट देन वॉट हैपन्स तो आप देख रहे हो कि इवन दो इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है लेकिन ओरिजिन चाइना से है तो चाइना का एक बहुत बड़ा एंगल इवेंचुअली आ सकता है कि अगर चाइना यहाँ डैम्स बना दे या किसी और मेकेानिज्म से इस पूरे मेकेानिज्म को क्लोज करने की कोशिश करे देन वॉट हैपन्स तो ये भी एक पैरामीटर है जो आपको ध्यान में रखना है सेकेंडली क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है राइट right? ये पानी जहाँ से आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा बर्फीले रीजनस हैं ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे राइट right? जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ये ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे और ये सारा रिवर सिस्टम जो है बदलेगा राइट विच इज़ नॉट अ वेरी इमीडिएट इफेक्ट ऑब्वियसली बहुत साल बाद वाला इफेक्ट होगा ये लेकिन ये इफेक्ट डेफिनेटली होगा एंड देन इल चेंज तो वॉट हैपन्स टू द ट्रीटीज देन इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना जरूरी है इन चीज़ों को ना आप डेफिनेटली कोट करोगे जब आप क्लाइमेट चेंज को कोट करोगे जब आप इंडिया पाकिस्तान के इशूज़ को कोट करोगे आप इंडस वाटर ट्रीटीज को कोट करोगे तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कितने कि आप मान लीजिए आज तो आप इशूज रेस कर रहे हैं बट जो फ्यूचर इशूज़ हैं जो इरिटर्स हैं उन पर भी तो काम करना जरूरी है तो आप इन चीजों को डेफिनेटली वहाँ पे कोट करेंगे जब आपको हिमालय से क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए कि हिमालयन इको सिस्टम की, की वजह से क्या इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज का हिमालय इकोसिस्टम्स पे क्या फर्क है तो आप वहाँ पे इन रिवर सिस्टम के पॉइंट्स को भी डेफिनेटली एड करेंगे एंड डेफिनेटली चाइना का एंगल हैज बी एडेड ठीक है जी याद रहेगा चलिए नेक्स्ट अच्छा रिसेंटली इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलकर डेली में एक फ्रेंडशिप पार्क जो है इनोग्रेट किया है ठीक है, Basically, agenda क्या है क्या वो commemorate करना चाहते हैं कि जब Korean War हुई थी थी पे Indian Peacekeeping Forces ने उनको जो भी मदद की थी, उस contribution को commemorate करने के लिए आपने introduce कर दिया। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर राइट अब ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा न्यूज में आता है आजकल कि इंडिया स्टार्टेड टेकिंग हार्ड स्टैंड्स ऑन थिंग्स इंडिया हैज स्टार्टेड गिविंग डायरेक्ट रिप्लाइज टू एक्स वाई जी कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया इज़ नॉट अ सॉफ्ट पावर एनी मोर क्या इसका मतलब है कि इंडिया ने कल्चरल टाइज यूज़ करने छोड़ दिए हैं क्या इंडिया सिर्फ और सिर्फ हार्ड लाइनर स्ट्रैटी ले रहा है आप कहेंगे नहीं इंडिया डेफिनेटली अपनी सॉफ्ट पावर को भी यूज़ कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इंडिया साउथ कोरिया के बीच में फ्रेंडशिप पावर यूज हुआ है लेकिन हो सकता है कि जो स्ट्रैटी uh, है वो इज़ मोर टूवर्ड्स बींग अ हार्ड लाइनर दैन बींग अ सॉफ्ट पावर ये आप डेफिनेटली कोट कर सकते ठीक है जी याद रहेगा तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो हैं ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं प्री में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया एंड एक्स कंट्री ने मिलकर एक फ्रेंडशिप पार्क जो है खोला है कौन सी है जी एक्स कंट्री आप बताइए तो आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया एंड डेफिनेटली ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले सवाल आते हैं आपको उनके आंसर डेफिनेटली आने चाहिए तो द तो तो मोमेंट ऐसे साउथ कोरिया थोड़ा आपको इसकी जोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए राइट एक तरफ आप देखोगे सी ऑफ जापान है एक तरफ आप देखोगे येलो सी है तो आप देख रहे हो इन सभी चीजों को जोग्राफिकली आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है तो जितना सॉफ्ट पावर के कॉन्टेक्ट से इंपॉर्टेंट है उतना ही जोग्राफिकल लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं यस yes. अब क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया की बात हो रही है तो कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड हैं जिनमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं या दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड हैं कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं तीन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हो बताइए इंडिया और यूएस इनमें से दोनों इन तीनों में से किस किस में है तो अगर साउथ कोरिया से एसोसिएटेड क्वेश्चन आता है मैंने आपको ऑलरेडी अ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इसको नोट कर लीजिए एंड गो बैक एंड चेकआउट की इनके बाकी मेम्बर्स कौन कौन से हैं ठीक है चलिए अगली न्यूज आइटम्स पे आते हैं यस yes. साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का क्या मतलब है सो बेसिकली साबरमती रिवर के जो आसपास का रीजन है जो यूजली पहले रिवर के अंदर ही था अब जो है उसको आ, आम चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल पार्क या एनी अदर प्रोसेस सो बेसिकली क्या है जो साबरमती रिवर है ये एक बहुत ही मानसून रिवर है इसलिए ना इसमें हमेशा पानी नहीं होता यहाँ पे आपको डाउट आना चाहिए था कि मैं अगर इस पूरे रिवर में पानी है तो पानी वाला रीजन हटा के आप उसके साइड पर डेवलप क्यों कर रहे हो रीजन क्या है कि ये हमेशा एक मानसून ड्रिवन रिवर है तो मानसून ड्रिवन होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे कि पूरा साल हमेशा ये इसमें पानी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्राई ही रहती है सिर्फ मानसून के समय पे इस पर पानी आता है इस वजह से ड्राई होने की वजह से बहुत सारा समय होता है साल में जब ये खाली होती है तो इसका जितना भी रिवर वाला रीजन भी था साइड साइड के रीजन्स को भी डेवलप कर दिया गया है इन टू पार्क इन टू रैम्स इन टू अदर रीजन्स ठीक है अब ना ध्यान देना ये जो पूरा प्रोजेक्ट है साबरमती रिवर्स एसोसिएटेड ये ना अहमदाबाद में है और याद रखना ये कंस्ट्रक्शन दो हजार पाँच में बिगिन हुई है बट ये प्रपोज नाइनटीन सिक्सटीज से ही था तो याद रखना अर्बनाइजेशन जो है शायद अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आने लग गई है बट ये एक नया फिनोमेना नहीं है हमेशा से ही कोशिशें की जा रही हैं लेकिन शायद अब ये चीज़ न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रही है और क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए आप शायद इस टर्म को बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है और उसके बाद अगर आप देखें कि कंस्ट्रक्शन एक्टिवली हो रही हैं इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंफ्रा बढ़ाया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए तो याद रखना इनको आप ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अर्बनाइजेशन हमेशा ही कंजेस्टिड हो या अर्बनाइजेशन जो है गाँव को या फॉरेस्ट को छोड़ के ही बनाई जाए कि दर आर रीजन जहाँ पे ऑलरेडी खाली रीजन्स भी थे और उनको हमने एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए यूज़ कर लिया लाइक like साबरमती रिवर तो आप देख रहे हो कि ये जो छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स हैं ये हमको प्रोज बताते हैं किसी किसी टॉपिक्स के कि अर्बनाइजेशन हमेशा ही एक खराब फिनमिना नहीं है कुछ ड्राई रीजन को भी हमने अर्बनाइज़ेशन में यूज किया हुआ फॉर सोशल इंफ्रा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराडाइम है ठीक है और ये चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया कि साबरमती क्योंकि रेनफेड है तो ये ड्राई रहता है मोस्ट ऑफ एथिक्स के मान लीजिए रिवर है तो आप, उन्हें of, या आप अपने रीजन में भी ऐसी डेवलपमेंट कर सकते हैं तो वेन यू कोर्ट सर्टन एग्जाम्पल्स अपनी तो चलिए साबरमती रिवर की बात करते हैं एनसीआर टी में एक्सैक्टली exactly ये डायग्राम दिया हुआ है तो साबरमती रिवर पर जो है अरावली हिल्स से शुरू होती है और इवेंचुअली ये गल्फ ऑफ खम्बात में आके गिरती है ठीक है सेम चीज याद रहेगा सिंपल था ओरिजिन पता होना चाहिए बिकॉज दिस वाज़ अ न्यूज एंड क्योंकि एक एडिशनल लाइन भी है कि गल्फ ऑफ खम्बात में आके गिरती है तो वो भी आपको एडिशनली पता होना चाहिए ठीक है जी चलिए यस सो टाइग्रे रीजन जो है इथियोपिया का ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था पहली चीज़ तो आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो मैच फॉलोइंग में आती है टाइग्रे के साथ इथियोपिया को एसोसिएट करना है आपने दूसरी चीज वाई इट वॉज इन न्यूज़ तो आप ध्यान रखना ये जो टाइग्रे रीजन है ये इथियोपिया का मोस्ट वेल्दी या मोस्ट प्रोस्पेरस रीजन है तो इथियोपिया में क्या है जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं इथियोपिया में भी डिफरेंट रीजनस हैं ऐसे ही राइट right? और टाइग्रे वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट रीजन है राइट right? तो रिसेंटली जो है आबिद जी जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब से बने हैं तो रिसेटली uh, ऐसा हुआ कि इलेक्शंस के बाद कहा गया है कि जो टाइग्रे के रीजन हैं वो जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे राइट ऑपोजिशन पार्टी ने वहाँ बहुत ज्यादा करप्शन किया हुआ है राइट right? सिमिलरली ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो टाइग्रे रीजन की जो पार्टीज हैं टाइग्रे रीजन की जो भी गारमेंट uh, है दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्टील आर फ्रॉम द

होल हॉर्न ऑफ अफ्रीका एज वेल ठीक है तो ये तो चलिए मैंने आपको थोड़ी बहुत कहानी बता दी कि ताकि आपको टाइगर रीजन याद रहे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेन्स के परस्पेक्टिव से इथियोपिया का जो इंपैक्ट है टाइगर रीजन से ऑन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका अब आप इमेजिन करो इथियोपिया का यहां पे टाइगर रीजन है जिसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ठीक है अब इफ यू सी हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज कौन कौन सी हैं एरिट्रिया जिबूती इथियोपिया एंड सोमालिया जिबूती के पास आप देखोगे बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं यूएस मिलिट्री बेस है चाइना का भी है जापान का भी है एंड रशिया ने भी रिसेंटली कहा है कि दे वुड ऑल्सो भी स्टार्टिंग समथिंग ओवर तो इमेजिन करो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऑब्वियसली मिलिट्री बेसिस पे अफेक्ट ना हो तो यहाँ पर हमेशा ही इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की प्रोबिलिटी रहती है राइट हो ना जो होने की बहुत 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 ज़्यादा ज़्यादा रहती है 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 इस वजह से ज़रूरी कि ये जो वाला है, ये वाला आउट ऑफ हैंड ना चला जाए ठीक है जी तो अगर आपसे इस कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट पूछ लिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो आप जिबूटी के आसपास की बेसिस वाला रीजन जो है डेफिनेटली आप कोट करेंगे ठीक है सेकेंडली ध्यान रखना कि इथियोपिया और जो एरिट्रिया का रीजन है राइट इथियोपिया का स्पेसिफिकली जो टाइग्रे रीजन है ये और इथियोपिया का हमेशा से ही मुद्दा चल रहा है फ्रॉम 1998 नाइनटी एट टू टू तो रिसेंटली ऐसा कहा गया है कि टाइग्रे फोर्सेस ने इथियोपिया पे रॉकेट लॉन्च वगैरह किया है तो नहीं ये, ये इथियोपिया right? तो के अंदर ही टाइग्रे रीजन का इशू है एरेट्रिया का भी इस टाइग्रे रीजन से इशू हो रहा है तो आप देख रहे हो अनादर इंपैक्ट ऑफ हॉर्न ऑफ कि अगर टाइग्रे रीजन जो है आपका स्टेबल नहीं होता है तो इरेट्रिया से इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है

इंडिया के आईआर का पेपर लिख रहे हैं आप एरेट्रिया या इथियोपिया का नहीं लिख रहे हैं बट आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए कि हुआ क्या था राइट right? और इथियोपिया के जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मैंने आपको बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है इथिया के जो इथियोपिया के जो रीसेंट पी एम है जी राइट right? उनको इनिशियली आप देखोगे नोबेल पीस प्राइज मिला था इथियोपिया और एरेट्रिया के बीच में मुद्दे को रिजोल्व कराने के लिए इन पीस प्रोग्रेस को इन पीस मिशन को बेटर कराने के लिए राइट इस पूरे पीस मिशन के लिए उन

आ, आ, इसको हम हमेशा इसके दोनों पार्ट्स नहीं पता तो आप याद रखोगे एक है आपकी वाइट नाइल एक है आपकी ब्लू नाइल ठीक है ब्लू नाइल आपकी लेक टाना से शुरू होती है वाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से शुरू होती है इवेंचुअली सूडान में ये दोनों मिलती हैं और इसके बाद इसका नाम जो है नाइल है इससे पहले ये दो डिफरेंट जो हैं

हो सकती है तो इस वजह से इजिप्ट जो है कॉन्स्टेंटली इस पूरे डैम के मुद्दे में कॉन्फ्लिक्ट में है इथियोपिया ठीक है तो क्योंकि इथियोपिया की बात हो रही थी तो मैंने आपको इजिप्ट का यहां पे एंगल भी बताया है और आप इस डैम को भी याद रखेंगे ठीक है और स्पेसिफिकली याद रखेंगे डैम नाइल रिवर पे नहीं है बल्कि कहा है ब्लू नाइल पे है ठीक है इवेंचुअली व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिल के सूडान में उसके बाद नाइल कहलाती है ना कि उससे पहले ठीक है जी याद रहेगा चलिए ना क्लाइमेट डेटा सर्विसेज पोर्टल तो इंडिया ने एक क्लाइमेट डेटा सर्विसेज पोर्टल की बात की गई बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज के बारे में पता लगता है वैसे वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है वेदर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है जो वेदर बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन में कैलकुलेट होता है उसे क्लाइमेट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कभी आप न्यूज़ देखते हैं तो क्लाइमेट न्यूज़ तो नहीं दिखाते वेदर न्यूज दिखाते हैं क्योंकि वेदर बहुत शॉर्ट टर्म न्यूज बताता है बट वेदर को जब आप लॉन्ग टर्म में देखो दस साल बीस साल की यहाँ पे तो बारिश होती ही है तो उसको आप क्लाइमेट कहना शुरू कर देते हो तो इस पोर्टल का बेनिफिट क्या है कि एक रिपोजिटरी बन जाएगी वेदर डेटा की या क्लाइमेट डेटा की इवेंचुअली चीजें प्रोडिक्ट करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा नो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ऑल दो जब आपको क्लाइमेट्स एसोसिएटेड क्वेश्चन आए कि इंडिया और क्लाइमेट एसोसिएटेड चीज़ों में क्या स्टेप्स नहीं आप इन्हें कोट कर सकते हैं जो आपसे पूछा जाए कि इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या सुनामी से बचने के लिए किस तरह के सिस्टम्स लेके आ रहा है आप वहाँ पे इस सिस्टम को कोट कर सकते हैं जब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस आए कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वहाँ पर भी आप इसको कोट कर सकते हैं अनदर इम्पोर्टेंट थिंग वेर यू कोट इज कि डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया में इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है तो डिजिटल इंडिया में एक्सपोर्ट के, right? के लिए बना रहा क्लाइमेट में भी डिजिटल इंडिया के लिए कुछ काम हो रहा है विच इज दिस पर्टिकुलर पोर्टल तो आप देख लो सेम चीज को आपने कितनी जगह जो है कोड कर दिया अब ना मान के चलो कि क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट डेटा के बारे में आपको पता लग रहा है मैनेज अकॉर्डिंगली राइट इससे क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी आपका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि जो आपको नुकसान होना था ड्यू टू क्लाइमेट वो अब आप क्या कर सकते हो मिटिगेट कर सकते हो तो इकोनॉमी में भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है तो आप देख रहे हो सेम न्यूज आइटम हर जगह आप इसको कोट कर सकते हो कभी भी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक क्लाइमेट एंगल से भी आप उनका आंसर कर सकते हो नेक्स्ट यस yes, जैसे कि मैं क्लाइमेट एंगल की बात कर रही थी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं right? राइट आप देखोगे हर एक साल कोई ना कोई साइक्लोन है और आठ साइक्लोन्स हैं इन जनरल और उड़ीसा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ तो आप देख रहे हो इकनॉमिक लॉस कितने ज़्यादा है तो कभी भी अगर आप इकॉनमी की बात करो कि इकोनॉमिक लॉसेस के रीजन क्या हैं उसका एक रीजन जो है क्लाइमेट भी होगा या जो कैलेमिटीज़ होती हैं या जो डिजास्टर्स होते हैं वो भी होगा

जो कॉम्पैक्ट है उसमें आप इकोनॉमिक लॉसेज के बारे में लिखेंगे और आप एग्जाम्पल में उड़ीसा डेफिनेटली वहां पे लिख सकते हैं तो आप देख लो सिंपल सी न्यूज को मैंने अगर अपने आंसर में यूज किया मेरा आंसर लीप्स एंड बाउंड से बेटर हो गया नेक्स्ट यस सो रिसेंटली यूपन स्कीम आई है यूपन क्या है यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर राइट right? कि हर एक लैंड का अपना एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा तो जो भी प्लॉट है इंडिया में हर एक प्लॉट का एक चौदह डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो कि कहा जा रहा है कि मार्च 2022 तक सभी स्टेट्स में चला जाएगा तो मतलब बेसिक एजेंडा क्या है लैंड रिकॉर्ड्स का एक प्रॉपर डेटाबेस हो राइट right? उस डेटाबेस को इवेंचुअली क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड से बैंक रिकॉर्ड से सो so दैट आप देख रहे हो इकोनॉमी पूरी स्टेबल हो जाए कि ऐसा ना हो कि बार बार सेम लैंड पे पैसा लिया जा रहा है कई बार क्या होता है लैंड सेल कर

कि आधार कार्ड जैसे एक आम आदमी की सारी डिटेल्स बता रहा है लैंड की भी सारी डिटेल्स जो है ये जो नंबर है ये बता देगा तो जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे लैटिट्यूड लॉन्गट्यूड उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये पूरा का पूरा पिन बन जाएगा तो आप देख रहे हो कि जब आपके लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ओनली राइट कि लैंड को आप अब एक्सेसिबल बना रहे हो ताकि मिडल मैन ना हो लैंड में इश्यूज ना आए लैंड लैंड्स पे तो कितने ज्यादा केसेस चलते हैं राइट right? कि लैंड किसी का है कब्जा किसी और ने किया हुआ है तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल्सो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपकी कई बार पूछी गई है कि लैंड रिफॉर्म्स इज अ प्रोसेस कॉमेंट कि लैंड रिफॉर्म्स हमेशा ही प्रोसेस रहता है कभी खत्म ही नहीं होता राइट right? आप प्री इंडिपेंडेंस भी कोट कर देते हो कि लैंड रिफॉर्म्स तो सबसे चल रहे हैं राइट right? और अभी भी चले ही जा रहे हैं राइट right? पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आप पढ़ते हो जब आप भूदान मूवमेंट्स पढ़ते हो डेफिनेट मूवमेंट्स पढ़ते हो और अभी तक भी लैंड रिफॉर्म्स आप देख रहे हो किए ही जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की लैंड रिफॉर्म्स का प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता ये हमेशा ही चलता जाता है फॉर एग्जाम्पल अभी भी जब लोग डिस्प्लेस होते हैं अपनी जगह से तो उनको लैंड कहीं और दी जाती है तो ये पूरा का पूरा लैंड रिफॉर्म्स हमेशा एक प्रोसेस है ये कभी भी एंड इन इट नहीं होता है तो ये चीजें याद रखनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज का पार्ट है? है आपकी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2008 में शुरू हुआ था जब आप डिजिटल इंडिया की बात करोगे आप डेफिनेटली वहां पे इसको जो है, लिखने की कोशिश करेंगे इससे अल्टीमेटली क्या होगा जो डिलीवरीज है राइट right? ये बेटर हो जाएगी कि अब मतलब आप पटवारी के पास जाते हैं उनके पास ऑलरेडी डिजिटाइज रिकॉर्ड्स होंगे ना कि उन्हें अपनी बुक्स में चेक करना पड़ेगा राइट right? और मान लीजिए कि डिफरेंट स्कीम्स मान लीजिए एग्रीकल्चर फैनेंस डिजास्टर मैनेजमेंट इन चीज़ों के लिए ऑलरेडी आपके पास सारे के सारे डेटा अवेलेबल होगा आपको कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं है ठीक है जी याद रहेगा एग्रीकल्चर में इसका ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है बहुत सारी आप ऐसी स्कीम्स पढ़ते हैं जब ईयरली मनी जाता है uh, किसान भाइयों को हमारे राइट तो दैट गोज ऑन टू या गोज ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कौन सा लैंड ओन कर रहे हैं अब मान लीजिए वो लैंड ओन तो वो कर रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड्स में किसी और के नाम पर है तो पैसा किसी और को चला जाएगा तो ऐसा ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके लैंड को ऑलरेडी जो है एक नंबर दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से द मनी कैन गो इन टू तो योर ओन अकाउंट्स इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताए क्या है कि आप देखोगे कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी डिफरेंट स्कीम्स हैं और डिफरेंट स्कीम्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसके हिसाब से ये जो सब्सिडीज हैं ये जो पैसा है आता है सो एवरी स्टेट हैज़ दर ओन सॉफ्टवेयर एवरी स्टेट हैज़ दर ओन पोर्टल्स अब जब ये सारा का सारा प्रोसेस कंसोलिडेट हो जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया एक ही सिंगल प्रोग्राम चलाया जा सकेगा जिससे कि ये सारे की सारी सब्सिडीज या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं ये हमारे एग्रीकल्चर वाले भाइयों के पास पहुँचे याद रहेगा सिंपल है तो मेकेजम्स का एजेंडा क्या है आप देखोगे आजकल ना वन नेशन वन ग्रिड वाले ऐसी चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं राइट वन नेशन वन ग्रेड वन नेशन वन राशन कार्ड की पूरी कंट्री को एक करने की कोशिश की जा रही है तो उसी के संदर्भ में दिस किड ऑल्सो भी कोटेड कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वन नेशन वन ग्रेड है वन नेशन वन राशन कार्ड है ये कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनके अगेंस्ट तो आप वहां पे इनको कोट कर सकते हो कि एक बहुत ही नया जो रिफॉर्म लैंड एसोसिएटेड वहां पे लिया जा रहा है कि अब लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उनके लिए एक अलग नंबर दिया जाने की बात हो रही है तो एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है तो आपको पता ही है चलिए लास्ट न्यूज ऑफ द डे वाटर कॉन्जर्वेशन का एक महाराष्ट्र में बुलदाना पैटर्न है बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहा है बुलदाना पैटर्न जो है इतना इंपॉर्टेंट रहा है इसको इतना ज़्यादा रिकग्निशन बना है कि अब नीति आयोग एक नेशनल पॉलिसी बनाने वाला है ऑन वाटर कॉन्जर्वेशन ऑन इन दी सेम पैरामीटर्स जो कि बुलदाना पैटर्न में तो बुलदाना पैटर्न में बेसिकली क्या हुआ है कि वहां पे जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं नेशनल हाईवेज पे जो भी सॉयल यूज होगी जो मिट्टी यूज होगी वो कहाँ से आई है जितने भी इस रीजन में वाटर बॉडीज थी नाले थे रिवर्स थे उनमें जो सेडिमेंटेशन थी नीचे नीचे आप आप देखते हो कि जब मान लो कि एक ये एक, एक रिवर है लेट्स अज्यूम नीचे नीचे अगर बहुत ज़्यादा सॉइल होगी तो पानी ऑब्वियसली कम बनेगा लेकिन अब अगर मैं ये सॉइल पूरी हटा दूँ तो पानी जो है ज़्यादा भरेगा तो यही हुआ है कि ये जो एडिशनल सॉइल थी इनको यूज किया गया है हाईवेज बनाने में तो एक तो हाईवेज़ पे पैसा बहुत ज़्यादा बच गया कि आपको सॉइल खरीदनी नहीं पड़ी राइट right? आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जगह से सॉइल खरीद ली दूसरा कि यहां क्योंकि पानी कम भर रहा था अब ये पूरी सेडिमेंटेशन क्लियर हो गई तो पानी भी और भरने लग गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन और वाटर कॉन्जर्वेशन को सिंक्रोनाइज कर दिया गया सो so दैट दोनों को ही एक साथ और बेटर बनाया जा सके राइट right? इस पूरे मैकेनिज्म को बुलदाना पैटर्न कहा गया तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल फिनोमिना रहा है ना पहले तो इट कुड कु डायरेक्ट क्वेश्चन की बुलदाना पैटर्न बेसिकली क्या है या कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है इट कुड बी क्वेश्चन इन प्री लेकिन मेंस में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट एथिक्स के स्टडी में दैट पीपल टेंड टू मिस डेफिनेटली आप इनको वाटर कॉन्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो क्लाइमेट्स एसोसिएटेड क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो या इकोनॉमिकली आपने पैसा सेव किया उनमें यूज़ कर सकते हो लेकिन एथिक्स के स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका कि यदि आपके एरिया में आपको हाईवेज़ uh, बनाने हैं या आपको वाटर कॉन्जर्वेशन करना है वॉट कैन बी डन तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि वॉट आई वॉन्ट टू डू इज मैं सिंक्रोनाइजेशन करना चाहता या चाहती हूँ ऑफ द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कॉन्जर्वेशन ऑन द लाइन ऑफ बुलदाना पैटर्न दैट इज वट फैच यू मोर मार्क्स की ऑल्दो इट वॉज अ रैंडम एग्जाम्पल है ना कि प्री के लिए मैंने फैक्ट पढ़ लिया लेकिन जब मैं इसे एथिक्स की स्टडीज में कोट कर देती हूँ तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन द होल पैटर्न मैंने डायरेक्टली एक्जाम्पल कोड कर दिया एंड उसमें मुझे काफी ज्यादा मार्क्स जो है लीप्स एंड बाउंड से बढ़ जाते हैं दैट इज वॉट फेचेज मी मोर मार्क्स ठीक है जी याद रहेगा चलिए दैट वॉज ऑल फॉर द डे और विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग प्री क्योर एवरी डे जैसा कि हमेशा चल रहा है हर रोज जिस तरह से आता था वैसे ही आता रहेगा और दैट वॉज ऑल फ्रॉ एंड दोस्तों कुछ भी आपको इशूज हो कुछ भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कॉल आर्स प्लीज फील फ्री टू तो ड्रॉप ई मेल्स और अगर आप ये पी डी एफ डाउनलोड करना चाहते हैं आप स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम पर जाके क्लासेज डॉट कॉम पर जाके डाउनलोड सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है जी Chilly, that was all from my end okay those are bye